खरगोन जिले के खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु गुरु नानक देव जी प्रांतीय ओलंपिक गेम्स के तहत उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राउंड भगवानपुरा में चयन प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सुमेर सिंह जाधव बीईओ भगवानपुरा के द्वारा किया गया। खेल शिक्षक सुरेश हिरवे ने बताया कि 6 खेलों कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती में बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में 200 से 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनित खिलाड़ी आगामी 26, 27, 28, 11, 2019 को जिला स्तर पर सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम में दूर सिंह चौहान, राजेश वर्मा, उस्मान खान, पप्पू खान, सचिन मालवीय, भागमल जाधव, अरविंद पाटीदार, अमन भावसार, सद्दाम खान, कालू सिंह सोलंकी सहित कोच व शिक्षक उपस्थित थे। भगवानपुरा से सूर्य प्रताप की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार का गुरु नानक प्रांतीय ओलंपिक जो कार्यक्रम है उसमें विकासखंड स्तरीय गुरु नानक प्रांतीय ओलंपिक प्रतियोगिता विकासखंड स्तरीय रखी गई थी, जिसमें विकासखंड की सभी ग्राम पंचायतें, उत्कृष्ट विद्यालय, विद्यालयों के बालक बालिकाएं आए हुए हैं। सर जी कौन कौन सा कार्य खेल करवाए गए? प्रांतीय ओलंपिक के तहत फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और आदि गेम करवाए गए समय के अनुसार, और सभी खिलाड़ियों ने उत्साह से भाग लिया इसमें, और सभी कोचेस ने बहुत अच्छा सहयोग किया। हमारे चौहान सर, राठौर सर, भानु भाई और कल्लू उस्ताद, सभी कोचेस ने अच्छा सहयोग किया और बच्चे बहुत अच्छे डिसिप्लिन में खेले। इसके बाद जिले लेवल पर कार्यक्रम कब रखा गया है? जिले लेवल पे 26, 27, 28 में 26 में महिलाएं हैं और 27, 28 में पुरुष वर्ग के गेम्स होंगे, और पांचों गेम कॉलेज मैदान पर और एथलेटिक्स, बास्केट, ये गेम स्टेडियम मैदान पर होंगे। क्या शुभ नाम है आपका? सुरेश चंद्र हिरवे, PTI, उत्कृष्ट विद्यालय भगवान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।